शहर में आज किसानों के महापर्व पोला की धूम मची है। पोले के त्योहार पर किसान अपने बैलों को सजा धजा कर परिसर में घुमाते हैं और बैलों की पूजा भी की जाती है। बैलों के इस त्योहार में बैलों की डिमांड बढ़ जाती है और साल में एक बार किसान उन्हें भली भांति सजा कर किसी देवता की मानिंद उनकी पूजा की जाती है। इस दिन सभी किसान अपने अपने बैलों के साथ उन्हें सजा धजा कर चौराहों पर और बाजारों में लेकर आते हैं। मेला भी लगता है। इस मेले में सभी तरह की दुकानें होती हैं, लेकिन मुख्य आकर्षण का केंद्र बैलों की जोड़ियां बनी रहती हैं। इन बैलों को परिसर में घुमाकर वापिस किसान अपने घर लेकर के जाते हैं, लेकिन इसके साथ साथ ही बच्चों का भी उत्साह इस त्योहार में देखते ही बनता है। बच्चे मिट्टी और लकड़ियों के बैल जोड़ी खरीद कर खुश हो जाते हैं और किसान अपनी बैलों की पूजा करने के साथ साथ आज के दिन अपने घरों में पोले के दिन अपने घरों में पूरन पूरी बनाकर मुंह मीठा कर इस त्योहार का आनंद लेते हैं। किसानों के इस महापर्व पर शिवाजी शिक्षण संस्थान की ओर से गाड़गे नगर के पंचौटी मैदान में पोले का उत्साह पर्व मनाया गया। बांधवानो भगिनीनो, एक मोठ्या उत्साहामध्ये आपण हा सण साजरा करतो आहोत। शेतकरी आणि बैल यांचं एक अतूट असं नातं आहे। हे 24 तास एकमेकांच्या सान्निध्यामध्ये असतात। शेतामध्ये पाऊस असो, ऊन असो, वारा असो, थंडी असो, यामध्ये हे राबणारे बैल आणि त्याच्या जोडीला आमचा शेतकरी बांधव। परंतु आता खेड्यांचं शहरीकरण झालेलं आहे। स्वातंत्र्यानंतर गांधीजींनी म्हटलं होतं खेड्याकडे चला, परिस्थिती उलटी आहे। आता खेड्यातली लोक शहराकडे येऊ लागलेली आहेत। जिस कार्यक्रम के अध्यक्ष दिलीप जी इंगोले थे और मुख्य अतिथि माननीय आमदार आनंदराव अडसूल थे, जिसमें बैलों की जोड़ियों को 5 अलग अलग तरह की इनामी राशि दी गई। इसमें प्रथम इनाम 10,000 रुपए की नगद राशि के तौर पर दिया गया और इस मौके पर शिवाजी शिक्षण संस्थान ने किसानों के प्रति जन जागृति का भी आवाहन किया। पोळा हा सण शेतकऱ्याचा एक महत्त्वाचा सण आहे आणि जेव्हा पीक हाताशी येतात, पीक चांगला दिसायला लागतं आणि त्यावेळेस आपण पोळा साजरा करतो, त्यावेळेस शेतकऱ्याची पेदा चांगली असते आणि शेतकरी आनंदित असतो की आता आपलं पीक आलं आहे, आता आपल्याला जास्त पैसे मिळणार आहे। आणि त्या निमित्तानं ज्या बैलांनी वर्षभर त्यांच्याकरता कबाड कष्ट केले असते त्या बैलांची पूजा म्हणजे हा पोळ्याचा सण आपण साजरा करीत असतो। खरं म्हणजे आता हे छोट्या शेतकऱ्यांचा आधारस्तंभ असतात आणि छोट्या शेतकऱ्यांना बैलांशिवाय गत्यंतर नसतं आणि म्हणूनच पोळा हा सण शेतकऱ्यांचा असतो। मला वाटते भाऊसाहेब पंजाबराव देशमुख यांचं नाव आपण आज घेतो आहे, यांनी भारताच्या शेतकऱ्याकरता अतिशय पहिलेपासून शेतकऱ्यांचं हालत सुधारली पाहिजे, शेतकऱ्याला चांगलं बियाणं मिळालं पाहिजे म्हणून शेवटपर्यंत अतिरिक्त प्रयत्न केले आणि त्या निमित्ताने त्यांनी या पोळ्यांचा सण त्या वर्षापासूनच आपण भाऊसाहेबांच्या जमान्यापासून आपण साजरा करतो।